मंडलियों की शुरुआत हूँ। यीशु का स्वर्ग में वापस जाने का बाद चेले यरूशलेम में ही रुकी गए जनकी यीशु ऊँते कने के आगे दे छे। उख का विश्वासी लोग लगातार एक साथ प्रार्थना करने को कट हुआ छा। हर साल फसे का त्योहार का 50 दिनों का बाद यहूदी लोग पिंतेकुस्त नौ का एक विशेष दिन ते मनांदा छा। पिंतेकुस्त उ दिन छौ जब यहूदी लोग ग्यों की लवे मनांदा छा। पिंतेकुस्त का दिन ते मनाणु को यरूशलेम में ऐ छा। ये साल पिंतेकुस्त मनाणु को बगत यीशु का स्वर्ग चली जाना का लगभग एक हफ्ता का बाद ऐ छो। जय भगत सारा विश्वासी लोग एक साथ कट्ठा हुआ छा। तो जय घर में उछा तो अचानक उ घर तेज बथों की आवाज से भुरे गए। तब आग किसी लपटों की जीभ उमा बटी हरेक पर ऐके ठहर गए। उ सभी पवित्र आत्मा बटी भुरे गी न और ऊल अन्य भाषाओं में पिता परमेश्वर की स्तुति कर। यूं भाषाओं में जूते बोलणों को पवित्र आत्मा ल सक्षम कर। जब यरूशलेम में रहण वाला लोगों वे हालत सुनी तो भीड़ का रूप में यू देखणों को एक साथ है नी कि क्या होणु छ। उल विश्वासियों ते पिता परमेश्वर का द्वारा किया बड़ा बड़ा कामों को प्रचार कर दी सुनी वो हैरान छा कि लेकिन वो यूं कामों ते अपनी ही भाषा में सुनना छा। यूं में बैठी कुछ लोग बोली कि वो चेला नशा में छा। पर पतरस खड़ुए और ऊँ बैठी बोली मेरे बात उते सुना यू लोग न समझनी छन। यहाँ का बदला जो तुम देखना छा उही च जो योयल भविष्यवक्ता बोली। पिता परमेश्वर बोली आखिर का दिनों में मैं अपनो आत्मा उंडेलुल। हे इजरायली आदमियों यीशु एक इन आदिम छौ जैल यू दिखाणु को कि ऊ कुछ बहुत से अनोखा काम करिन। वेल पिता परमेश्वर की सामर्थ बटी बहुत से अद्भुत काम करिन। तुम यू जानदा छा कि लेकिन तुम यूं काम तो देखी पर तुम वे ते सूली पर चढ़े दीन। यीशु मुर्गे पर पिता परमेश्वर वे ते मुर्दू में बैठी जूंद कर दीन। इन लुई बातें पूर कर दीन जैते एक भविष्यवक्ता लिख छो तू अपना पवित्र जन ते कब्र में सड़नी देली। हम गवाह छा कि पिता परमेश्वर यीशु ते फिर से जूंद कर दीन। पिता परमेश्वर अब यीशु ते अपनी दैनी तरपा बैठ के वे ते आदर दीन। और यीशु ल हमको पवित्र आत्मा भेजी जन की वेल वादा कर छो कि ऊ भिजुल। पवित्र आत्मा ही ऊ काम ते हूण दीन दी जो ते तुम देखना और सुनना छा। तुम वे मनिक यीशु ते सूली पर चढ़े दीन। पर विश्वास कह रहा कि पिता परमेश्वर यीशु ते सभी चीजों पर प्रभु और मसीह दुई ठहरे। पतरस की सुनने वाला लोग वे की बातों का कारण भीतर तक हिल गए। इले उन पतरस और चेलो बेटी पूछी हे भयो हम ते के कंचाणु छ। पतरस अलू ते जवाब दीन तुम बेटी हरे कपड़ा पाप को पश्चाताप करो कि पिता परमेश्वर तुम्हारा पापो ते माफ करो और यीशु मसीह का नौ बेटी बपतिस्मा ले तब तुम ते वरदान का रूप में पवित्र आत्मा भी दियुल। पतरसल जो बोली वे पर लगभग 3,000 लोग कुल विश्वास करी और यीशु का चेला बन गिन। उल बपतिस्मा ले और यरूशलेम की मंडली को हिस्सा बन गिन। जब प्रेरित उलो ऊते शिक्षा दीन तो विश्वासियों लगातार सुनी वो अक्सर मिलदा छा और एक साथ खाणु खांदा छा और उल अक्सर एक दूसरा को प्रार्थना करी। उल मिली के पिता परमेश्वर की स्तुति करी और जो कुछ भी ऊमा छो उल एक दूसरा बटी बैंट। नगर को हर एक आदिम ऊ को अच्छा विचार रखता छा। हर रोज ज्यादा से ज्यादा लोग विश्वासी बन दी गए। प्रेरितों का काम अध्याय 2 बटी 1 बाइबल की कथा।